हेलो, ये वीडियो है फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन किस तरह का कंपाउंड है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसमें क्या है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ होगा और मेटेलिक किसी मेटल से जुड़ा होगा। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक में क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है। रिंग काहे की है, कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, ठीक। ये आयरन से जुड़ी हुई है और एक और रिंग है जो भी आयरन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड है जिसमें कैम्फर लाइक ऑर्डर होती है। कैम्फर लाइक कपूर लाइक रहती है वो ऑर्डर उसकी, ठीक। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके का दिख रहा है हमको, सैंडविच मॉडल बोला जाता है इसको। सैंडविच मॉडल क्यों, क्योंकि एक रिंग ऊपर है, बीच में आयरन है, फिर दूसरी रिंग नीचे है, तो इस तरीके से ये सैंडविच मॉडल दिख रहा है, ठीक। इसका नाम हमने क्या रखा, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, ठीक है। अब ईटा 5 क्या है, ये ईटा 5 इज हैप्टिसिटी। वॉट इज हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी वो होती है जितने नंबर ऑफ कार्बन वाली रिंग अटैच होती है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे कितने का नंबर ऑफ कार्बन वाली रिंग अटैच्ड है, 5 कार्बन वाली रिंग अटैच्ड है, तो इसलिए क्या बोला हमने इसको, ईटा 5 बोला, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, दो तरह के हमको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स्ड। ये क्या है, इसके कॉन्फॉर्मेशंस हैं किस तरीके से रिंग अटैच्ड है। तो रिंग अगर दोनों एक ही तरह से अटैच्ड है, ठीक है, उनकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स मतलब सुपर इम्पोजिबल टाइप की होंगी। ऊपर से देखेंगे अगर हम उससे, तो किस तरीके की दिखेंगी, सुपर इम्पोज दिखेंगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या है, एक्लिप्स्ड है। और यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन हो गया या कॉन्फॉर्मेशन हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, आयरन पेंटाकार्बोनाइल लिया या पेंटाकार्बोनाइल आयरन लिया, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई किससे, रिंग से। कौन सी रिंग है हमारे पास, 5 कार्बन वाली रिंग है, उससे रिएक्शन करवा के यहाँ पे फेरोसिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फेरस क्लोराइड को रिएक्ट करवा के भी बना सकते हैं। अब ये काम कहाँ आता है, फेरोसिन, फेरोसिन काम होता है लिगैंड के रूप में। लिगैंड्स क्या होते हैं, जो भी एक मेटल एटम्स है, लिगैंड जुड़ के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फ्यूल एडिक्टिव, फ्यूल में यूज़ हो सकते हैं, फ्यूल के एडिशन में और भी चीज़ें ऐड करते हैं, उससे फेरोसिन यूज़ हो सकता है। फार्मास्यूटिकल यूजेज हैं इनके, फार्मा कंपनीज में, जो फार्मेसीज में क्या होता है कि मेडिसिन जो बनती हैं उनमें यूजेस हैं, ठीक है। रॉकेट प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में यूज़ होता है, मतलब रॉकेट को जो फ्यूल आगे बढ़ाने का काम करता है उसके रूप में यूज़ हो सकता है। तो दिस वॉज योर फेरोसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।